हाय आंटी बोल हम नमस्ते बोलेंगे। हाँ What's up? Welcome back to my channel. I am Sakshi and thank you so much for watching the Soul Food. आज हमने सोचा कि कुछ हम फूड व्लॉग्स बनाते हैं तो कुछ डिफरेंट बनाया जाए। आज हम स्ट्रेट फार्म से कुछ ना कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल तोड़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं फार्मर्स से, उनकी लाइफ कैसी आ की, तो stay tuned. देखने वाले हैं वो ये वाले फार्म्स है, इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और यहाँ की जो आंटी हैं हम जिनसे बात करने वाले हैं वो भी हमारे साथ बताएंगी कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे उग रही है और कौन कौन सी हम तोड़ के घर ले जा सकते हैं। ये कॉलीफ्लावर तोड़ने, जैसे आप देख सकते हो ये आ गया हमारा। आंटी तोड़ो मत, तोड़ो मत, ये फ्लावर कितने, ये आ गया हमारा फ्रेश फ्रॉम द फार्म्स कॉलीफ्लावर जो सब मोमोज में डाल के बहुत खाते हैं। 10 रुपए तो 10 रुपए का तो यार मोमोज भी सर महंगे आते हैं। और क्या क्या उगता है यहाँ पर आंटी? पालक है, गोभी है, स्टार्ट ही हुई है तो अभी कितना टाइम लगेगा? अभी जयमाल है यार, कितना टाइम लगेगा? 10 दिन का टाइम, बस 10 दिन लग जाएगी। ये तो बहुत छोटी है अभी, हाँ बस ऐसी जाएगी, बहुत जल्दी हो जाती है। और क्या क्या है? ये प्याज है, वो प्याज है जो आजकल बहुत महंगी चल रही है भाई, देख लो सेलिब्रिटी उग रही है ये गोभी है और ये हमारा हरा भरा पालक, देखो कितना सुंदर लग रहा है, कलर देखो कितना फ्रेश है। जब तक हमारे पास आएगा ये दिल्ली में, जब तक इसका कलर डार्क हो जाएगा एकदम अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल। आंटी वैसे तोड़ देते हैं सब्जी तो कितने टाइम तक वो सही रहती है ऐसे? जब तक हमारे पास तो बहुत दिनों बाद जाती है ना दिल्ली में, तो वो कितने दिन ये स्टोर में रख जाए? ये तो साल सु साल रुक सकते हैं। और क्या क्या है? ये भी गोभी है, हाँ, ये भी गोभी की है। ये फूल, ये फूल है, ये फूल गोभी का है जो अभी स्टार्ट हो रहा है। दो महीना का टाइम है, 2 महीने होंगे। और ये भी पालक है, ये भी पालक है। ये मूली है, ये वाली की ये वाली मूली है ना, ये मेथी है, ये मापी। और ये पालक ही है, हाँ ये पालक अभी स्टार्ट हो रहा है। ये सारा गोभी पालक चल रहा है। और ये टमाटर, ये टमाटर देखो अभी हरे हरे टमाटर, अभी इसने कितना टाइम है लाल होने में? 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में ये लाल हो जाएंगे। और भी साइज जिनका छोटा है वो भी बड़ा, हाँ ये भी हो जाएगा। और वो पीछे वाला भी सारा साठ वो फूल गोभी है ना सारा, और ये टमाटर है सारा। तो आंटी आप तो बड़े सस्ते सस्ते वो देख रहे हो, मुझे तो लगता है हमारे यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है सब कुछ। सस्ते प्याज कितना दे होते हो? प्याज देख रहे नहीं तो आगे तो है ना, आप कितना दे रहे हो? 150 मार्केट में। और आप कितना देते हो? अब
अभी तो हमारी जा रही है। अच्छा आपके यहाँ सो वाह, यहाँ पर गेंदे के फूल आगे बाकला, आगे बाकला वो जो मटर, ये जो बड़े वाले। हाँ हाँ बड़े। बाकला जो मटर के जैसा होता है, बट मटर से थोड़ा डिफरेंट, लेकिन इसमें और मटर में कुछ टेस्ट अलग होता है क्या? मटर में आया में बहुत फर्क है, दिखने में सेम है। सेम दिखने में ना, तुम दिखाओ फिर आ रही हो। ये फल है आपको, ये तो सेम ही जैसा लग रहा है। नहीं पता, मटर जैसी है। फोकस, मिर्ची जैसा और मटर, ये तो सेम ही है, वो जो बीन्स होते हैं उसकी तरह लग रही है। और ये बांकला है, ये वाला, ये पूरा। हाँ ये पूरा बांकला है, बांकला है ये जो मटर जैसा लगता है, ये मटर जैसा लगे और इसमें तो पर्पल फूल आ रहे हैं। आप कब से फार्मिंग कर रहे हो यहाँ पर? 5 साल से। 5 साल हो गए। और आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया, पहले क्या करते थे? गेहूँ और वो कहाँ पे ही पर? हाँ। और उसके बाद आपने चेंज कर लिया इन सब्जियों को? हाँ सब्जी। कौन कौन सब्जियाँ यहाँ पर? गोभी है, लहसुन है, पालक है, टमाटर है, और बाकला है। तो फिर आप इनको बेचते हो जब मंडी जाती है? शाम को काटते हैं, सुबह को। अच्छा, तो वो एकदम मतलब जैसे आपने वो करा, ये कितना टाइम लेता है? जैसे आपको टमाटर कितना टाइम ले रहा है? अभी डिपेंड करता है ना, जैसे अभी तो ये उगरे हैं, फिर आप तब कैसे कमाई करते हैं? 3 महीने का टाइम लेता है। तो अभी फिर कमाई कैसे करते? एक सौदा चलते रहता। अच्छा, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग होता है ना, टाइम अलग 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 होता है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। 4-5 चीजें तो सबका टाइमिंग अलग है। हाँ अलग अलग है सब। तो आप यहाँ ही रहते हो? घर है पास में। यहाँ तो ये छोटे जिनावर है ना, ये रखा नहीं करते। अच्छा, छोटे जिनावर काम करते हैं तो छोटे जाते हैं, यही ठीक लगता हो। हाँ। लेकिन अभी तो ठंड ज्यादा है ना इस टाइम पर? ना, बस 2-4 घंटा रहते हैं, 2-4 घंटे के बाद फिर सब। तो काम आप करते हो और कौन कौन करते हैं? बस काम करते हैं। और आपके बच्चे? बस उनकी फैमिली रहती है, काम खेती में नहीं करते। तो फिर आपका फिर भी कितना हो जाता होगा खर्च? नहीं, खर्च कितना होता है और आप कमाते हो उससे ज्यादा ही होगा थोड़ा बहुत? या मतलब ऐसे दिखाते हैं ना कि बच्चे ज्यादा, ऐसे दिखाते हैं ना कि जैसे फार्मर्स को ज्यादा नहीं बच रहा या कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई बीमारी लग जाए तो नहीं बचता, नहीं खूब बचता, जैसे मतलब दून बचती है, दून तो बच्चे थोड़ा सही चल रहा है ना। ऐसा बढ़िया चल रही है, जैसे दिखाते हैं कि बिल्कुल फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बारिश से या उससे, बारिश से कोई मर जाए तो बात दूसरी, बस कितनी भी दवाई ले रहा हूँ। तो आप अपना नहीं खाते ठेला जो ब्रिज से बेचते? नहीं नहीं, हमारा मंडी जाता है टूट डायरेक्ट। दिस प्लेस इज सो फ्रेश एंड हैड सो मेनी वेजीज and fresh veggies and very less price and I'm gonna take this home. Aaj momos banne wale hain for sure, fresh. So if you want that recipe then you do comment in the comment section below and I feel
सो गुड कमिंग हियर, द एयर इज सो फ्रेश, द फार्म्स आर सो गुड। और यहाँ पता है कोई भी मना नहीं करता, ये सबके अपने अपने पर्सनल फार्म्स हैं, यहाँ कोई मना नहीं करता। आप बस बोला हम दिल्ली से आए हैं, फार्म्स देखने जाते हैं, दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली। दिस प्लेस इज जट्टारी, दिस इज 2 hours ड्राइव फ्रॉम दिल्ली, तो आप आ सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। और यहाँ पर सब लोग बहुत हैप्पी है, हमने फार्मर्स देखे हैं जो हमें न्यूज में दिखते हैं, वो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दे आर सो हैप्पी, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, दे आर लिविंग अ फ्रेश लाइफ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पीएस्ट पर्सन। आप यहाँ पर आओगे, आप बात करोगे उनसे, यू विल फील गुड। विद दिस प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एटलीस्ट हम वीडियो के मीडियम से थोड़ी थोड़ी फ्रेशनेस तो ले ही सकते हैं, एक्चुअल फ्रेशनेस नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, आपको आना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।